राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आपदा में राजनीति का अवसर खोजने वाले कांग्रेस राजद जैसे विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाने या इसका मजाक उड़ाने में लगे रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। इसके साथ ही मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला किया है। कहा है कि नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर उनके बचाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर धमकाना देश के संघीय ढांचे पर हमला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अभी तक कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया। राजद के कितने विधायकों ने वैक्सीन लगाई। राजद क्या ग्रामीणों गरीबों को टीकाकरण से दूर रख कर उनकी जिंदगी को खतरे में डालना चाहती है। बता दें कि राजद लगातार बिहार में कोरोना को लेकर किए जा रहे इंतजामों पर कटाक्ष कर रहा है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने नारदा स्टिंग केस के पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर कहा है कि उनके बचाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर धमकाना देश की संघीय ढांचे पर हमला है। जनादेश का मतलब यह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल को अपराधियों को बचाने का लाइसेंस मिल गया है। लालू प्रसाद और जयललिता भी कानून से ऊपर नहीं थे, इसलिए इन्हें जेल जाना पड़ा। चुनावी सफलता के अहंकार में मुख्यमंत्री का गुंडे की तरह व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।